पैटर्न फीचर के लिए मैं कुछ इसे डिलीट करता हूँ। देखिए नेक्स्ट जो हम लेने वाले हैं ये है पैटर्न फीचर। पैटर्न फीचर क्या है, ये कुछ डिफरेंट टाइप के इसके अंदर पैटर्न दे रखे हैं। अगर आप कोई यहाँ पे जैसे देखा लीनियर, सर्कुलर, पॉलीगन, स्पायरल, अलोंग, जनरल, ये यहाँ पे पैटर्न है। अगर आप कोई एक कंपोनेंट है आपके पास, कोई एक फीचर है, उस फीचर को आप यहाँ पे मल्टीपल टाइम में पैटर्न करा सकते हैं। इसके अंदर आपको याद रखना है, देखिए मैंने सिर्फ एक रेक्टेंगल बनाया है, अब मैं एक्सट्रूड करता हूँ इसे। जब आप एक्सट्रूड करेंगे, इसको बनाएंगे, इसे कट भी कर सकते हैं आप, कट करेंगे तो कोई इशू नहीं आएगा, लेकिन जब आप इसे बनाएंगे तो आपको एक चीज़ यहाँ पे याद रखनी है कि बुलियन के अंदर जाके ये यूनाइट होना ज़रूरी है। अगर आपने इसको यूनाइट नहीं किया तो आपका पैटर्न हो नहीं पाएगा। इसे ओके करिए। ओके करने के बाद अब हम यहाँ से आते आए पैटर्न फीचर में। पैटर्न फीचर में जाके अपना सेलेक्ट करिए कौन सा फीचर है आपका, फीचर सेलेक्ट किया, और फिर यहाँ से जाते हैं लीनियर में। लीनियर में अलॉन्ग वैक्टर स्पेसिफाई वैक्टर हमने ये डिफाइन कर दिया, रिवर्स डायरेक्शन कर देते हैं, और कितने चाहिए हमें, हमें चाहिए नंबर ऑफ आइटम, काउंट हमने 5 ले लिया, और पिच मैं यहाँ से ड्रैग करके ले लेता हूँ, ड्रैग 0.5 ले लिया। इसको अगर हम सिमेट्री लेंगे तो बोथ साइड में जाएगा, ये इधर प्लस में भी जाएगा और माइनस में भी जाएगा। इसके अंदर सेकंड आता है यूज सेकंड डायरेक्शन। सेकंड डायरेक्शन मैं इस वाली एज को पिक करता हूँ और इसे भी कर देता हूँ फ्लिप, तो इधर आ जाएगा, और यहाँ से है ये गैप, गैप को हमने थोड़ा सा कम कर लिया, और काउंट यहाँ से हम ले लेते हैं 6 में तो ये बाहर जा रहा है, या तो इसके गैप को कम कर दीजिए और एक बार हम देखते हैं यहाँ से प्रीव्यू, ये जनरेट कर रहा है यहाँ पे, और इस टाइप से हमारा बन जाएगा। और ठीक लग रहा है तो अप्लाई कर दीजिए, अप्लाई कर देते हैं इसको, हो गया। इसके बाद हमारे पास है सर्कुलर। तो सर्कुलर के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, मैं एक दूसरे मॉडल में जाता हूँ, ये मैंने एक पहले बनाया था, आपको याद होगा, ये शायद ट्यूटोरियल का एक्सरसाइज किया था हमने, हमारा पार्ट 5 में, 5 नंबर के ट्यूटोरियल में हमने इसे बनाया था। अब इसके अंदर हम कुछ करना चाहते हैं, तो मैंने क्या किया, होल हमने अभी यूज़ किया था उसी को ही यूज़ कर लेते हैं दोबारा से, और होल में जाके मैं यहाँ पे क्लिक करता हूँ, एक पॉइंट मैंने यहाँ पे डिफाइन कर दिया, और यहाँ से फिनिश करिए, और होल का साइज़ सिंपल मैं होल ले रहा हूँ, और डेप्थ इसकी जो आ रही है उसे मैंने 40 ले लेते हैं, और ओके। अब मैं चाहता हूँ ये जो होल है इसका पैटर्न इस जो सिलेंडर है इसके अराउंड हो जाना चाहिए, तो यहाँ से आएंगे हम पैटर्न में, और पैटर्न में जाने के बाद यहाँ से चेंज करिए सर्कुलर, और सर्कुलर में जाने के बाद आप सेलेक्ट करिए फीचर कौन सा है आपका, फीचर सेलेक्ट करिए, फीचर हमारा आ गया है स्पेसिफाई वेक्टर, क्लिक करते हैं इस एज को, तो ये वेक्टर से ले लिया, नंबर ऑफ काउंट 20 आ रहे हैं, काउंट 2 है, और स्पैन एंगल 120, तो इसको मैंने लिया यहाँ से 12 का, और एंगल लेता हूँ 360 का, तो पूरे 360 के एंगल के अंदर 12 टाइम डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। आप प्रीव्यू करके देखें, इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा, और इसे करता हूँ अंडू प्रीव्यू, और यहाँ से आके आप डिफरेंट ऑप्शन में ले सकते हैं, जैसे हमने पहले भी किया था 2D में भी, वहाँ पे यहाँ पे काउंट डालिए, और पिच एंगल दो जो आपके आइटम्स हैं उनके बीच का गैप है ये 30, और फिर यहाँ से आप ले सकते हैं पिच एंड स्पैन, एंगल कितना लेना चाहते हैं वो डाल सकते हैं, और टोटल एंगल कितना होना चाहिए वो भी आप डिफाइन कर सकते हैं। तो इसके अंदर से काउंट एंड स्पैन ये हम ले लेते हैं, और इसको हम ओके कर देते हैं, हमारा अप्लाई हो जाएगा। यहाँ पे हमारा ये प्रीव्यू आ ही रहा है, आप चेक करेंगे तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो एक और ऑप्शन आ रहा है रेडियंट का, हम इसे रेडियंट को ऑन करते हैं, इसमें आ रहा है क्रिएट कॉन्सेंट्रिक मेंबर्स। तो इसके अंदर हम क्या कर सकते हैं, जो हमारा पैटर्न आए थे उससे कुछ दूरी पे, वो पीछे हमने 11 क्लियर किए, 11 की दूरी पे दो काउंट आने चाहिए। एक बार देखते हैं प्रीव्यू तो आपको थोड़ा सा और क्लियर हो जाएगा, पैटर्न होने में थोड़ा सा टाइम लेगा। आ गया, देखिए पहले फर्स्ट वाला जो सर्कुलर था ये पैटर्न, ये वाला हमारा था, अब रेडिएंट लेने से क्या होगा, इसका एक स्टेप और आ गया है। आपको अगर और ज़्यादा चाहिए तो आप यहाँ पे 2, 3, 4 काउंट भी डाल सकते हैं, उतने ही सर्किल में ये ऐड होते जाएंगे, लेकिन हमारे पास इतना स्पेस नहीं है तो हम अभी दो ही रखते हैं।
फिर नीचे आते हैं, एक ऑप्शन यहाँ पे और है ये यूज स्प्रेडशीट। यूज स्प्रेडशीट को मैं ऑन करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये इस टाइप से एक्सेल में खुल जाएगा, लेकिन उसके लिए आपके पास एक्सेल इंस्टॉल होना चाहिए। इसके अंदर आने के बाद यहाँ पे अगर हम देखें तो यहाँ पे ये डबल आ रहा है। डबल किस वजह से आ रहा है? क्योंकि हमारे पास ये डबल डबल सर्किल बने हुए हैं। तो मैं क्या करता हूँ, इसे कैंसिल करते हैं और इसको मैं हटाता हूँ, और रेडिएंट वाला मेरे को नहीं चाहिए, सिंपल एक ही चाहिए। ठीक है, एक ही की सेटिंग कर लेते हैं। अब इसके बाद जाते हैं हम एक्सेल में, तो ये जो शो कर रहा है होल्स, ये जो शो होल्स हमने बना रखे हैं, ये उन्हीं होल्स को शो कर रहा है। और यहाँ पे जो रेडिए इसके अंदर रेडिएंट ऑफसेट है वो 0 आ रहा है। मैं इस रेडिएंट ऑफसेट को जो फर्स्ट वाला है जो हाईलाइट हो रहा है, ये तो कुछ एक स्पेसिफिक दूरी पे है ही, हम चाहते हैं इसके बाद एंटी क्लॉकवाइज क्योंकि बनाता हुआ रहा होगा, जो फर्स्ट वाला है इस पे, ये 30 के एंगल के रेडियल एंगुलर डायरेक्शन में 30 के ऑफसेट पे है, इसको हम चाहते हैं ये कितनी दूरी पर होना चाहिए, ये कुछ 15 के डिस्टेंस पे चला जाए। इससे पहले वाला नेक्स्ट 10 पे, फिर 15, फिर 10, फिर 15, 10, 15, ये 10, 15, 10 और ये 15, इस टाइप से। और इसे मैं क्लोज करता हूँ तो सेव का ऑप्शन आएगा। अब अगर आप देखेंगे तो देखिए ये जो आपका है, ये जो पास वाला है ये 10 के ऑफसेट पे है, और जो दूर वाला है ये 15 के ऑफसेट पे है। आप रिव्यू भी करेंगे तो आपको दिखाई देगा। ये तो कुछ स्पेसिफिक दूरी है ही जो पहले से है, लेकिन उसके बाद ये 15 पे है, फिर ये 10 पे है, फिर 15 पे, 10 पे, 15, इस टाइप से यहाँ पे आ जाएगा। अब इसके अंदर कुछ और चेंज करना चाहते हैं तो इसके अंदर एक और ऑप्शन है अभी हमारे पास, इसे जाके क्लिक करिए स्प्रेडशीट को, और यहाँ पे जाके आप देखेंगे तो यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, येरा डायमीटर जो है डिफॉल्ट वैल्यू वो 10 दी हुई है डायमीटर होल की, लेकिन मैं क्या चाहता हूँ जो 15 पे जा रहा है सर्किल मेरा, उसका डायमीटर भी 15 हो जाए, इसका 15, 15 और फिर ये 15 करते हैं, 15 करते हैं और 15। पर थोड़ा सा आपको ये ध्यान रखना है कि जो भी आप वैल्यू डाल रहे हैं उसके लिए आपके पास स्पेस होना चाहिए, ऐसा नहीं हो कि आपने वैल्यू डाल दी और वहाँ पे स्पेस बहुत कम है और वो आपस में एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो फिर एरर आ जाएगी, फिर ये नहीं बना पाएगा। अब देखिए यहाँ पे तो फर्स्ट वाला हमारे 10 का है, फिर 15 का, 10 का, 15 का, इस टाइप से डायमीटर भी आ जाएगा। इसे अंडू करते हैं और इसे करते हैं हम ओके, तो ये हमारा ओके हो जाएगा। तो इस स्टेप से हमारा आउटपुट आ जाएगा। इसके बाद फिर चेक करते हैं, हम पैटर्न में जाते हैं और पैटर्न में जाके सर्कुलर के बाद आ रहा है पॉलीगन। तो पॉलीगन के लिए कुछ बनाना पड़ेगा हमें, तो हमने क्या किया, इस वाले पे ही मैं वापस आता हूँ और यहाँ पे जाके एक होल लेते हैं, और यहाँ पे मैंने क्लिक किया कुछ इस जगह पे, फिनिश करिए, और इसकी डायमेंशन हम करते हैं, और ये मेरे को सिंपल होल चाहिए, सिंपल 0.5 का भी बड़ा है, 0.2 का कर देते हैं और ओके, एक ही होल हो गया है, खत्म आ रहा है, कोई बात नहीं। फिर हम यहाँ से पैटर्न फीचर में जाएंगे और फीचर को सेलेक्ट करिए और यहाँ से लेते हैं पॉलीगन। पॉलीगन में लेने के बाद यहाँ से आ रहा है स्पेसिफाई वेक्टर, वेक्टर हमने ये ले लिया, और ओरिजिन, ओरिजिन में कुछ यहाँ पे क्लिक करता हूँ। अब चेक करके देखिए, अब तो जो ओरिजिन मैंने क्लिक किया है उसके अराउंड एक हेक्सागन आ गया है, क्योंकि नंबर ऑफ साइड 6 चली हुई है। आपको 5 चाहिए, आप 5 ले लीजिए, 5 आ जाएगा। अब फिर यहाँ पे जाएंगे काउंट पर साइड, पर साइड काउंट आ रही है 4, 4 आ रही है पर साइड, ये आपको शो भी हो रहा होगा। स्पैन 360 पूरा पूरे पे लेगा, ये सेम जैसा मैंने अभी आपको बताया था वही वाला है, कॉन्सेंट्रिक मेंबर लेना चाहते हैं, बाहर की तरफ जा रहा है, और हम इसको काउंट कितने चाहिए, पिच डिस्टेंस इसको देखते हैं। यहाँ पे अगर आप रेडिएंट में जाएंगे और यहाँ से देखेंगे तो हमारा इस टाइप से आ रहा है, ये इंस्क्राइब कीजिएगा, सर्कमस्क्राइब करेंगे तो ये थोड़ा सा सेटिंग जो पॉलीगन में हमने देखी थी इंस्क्राइब सर्कमस्क्राइब वाली, वही सेटिंग है। और यहाँ पे ये बाहर की तरफ आ रहा है, मेरे को बाहर नहीं चाहिए, अंदर की तरफ चाहिए, तो यहाँ पे हम माइनस में ले लेते हैं वैल्यू 0.5, -0.5 लेने से अंदर की तरफ आ जाएगा। एक बार वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से आप प्रीव्यूज का देख सकते हैं।
इस स्टेप से ही हमारा आउटपुट आ जाएगा ये बना हुआ। और अगर आपको ठीक लग रहा है तो इसे ओके कर दीजिए, ओके हो जाएगा। पॉलीगन वाले में ओके कर देते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वाला है हमारा स्पायरल, तो स्पायरल को देखेंगे इसके बाद। चलिए ये तो ठीक हो गया है, अंडू करते हैं। और यहाँ से अब हम अगला नेक्स्ट पैटर्न लेते हैं, वो है स्पायरल। स्पायरल वाले में जाएंगे, सबसे पहला आ रहा है सिलेक्ट फीचर, फीचर सेलेक्ट करिए कौन सा है आपका। इसके बाद डिफाइन करना है प्लेन, प्लेन डिफाइन कर दीजिए। यहाँ पे आने के बाद यहाँ पे है रेफरेंस वेक्टर, रेफरेंस वेक्टर के लिए हमने एक ये एक्स डायरेक्शन चूज़ कर लिया। अब यहाँ पे देखेंगे, यहाँ पे हमारे पास ये स्टेप से बना हुआ आ रहा है, ठीक है। तो फिर यहाँ से नंबर ऑफ टर्न बाय डिफॉल्ट 3 आ रहे हैं, पिच आ रही है रेडियल पिच, जो रेडियल पिच है इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। या तो आप यहाँ से ड्रैग कर लीजिए, ये देखिए 18 हो गई है, आप 20 कर दीजिए, 20 हो जाएगी। और ये जो दो कंपोनेंट है इन पार्ट के बीच का पिच, वो ये वाला है। रोटेशन एंगल ये थोड़ा सा रोटेट हो गया है, अगर रोटेट नहीं करना चाहते तो 0 रखेंगे, तो 0 में ये ऐसा आ जाएगा, ठीक है। ये इस टाइप की चीज़ थी। अब एक बार वेरीफाई करना चाहते हैं तो यहाँ से शो प्रीव्यू कर लीजिए। ये हमारा आ जाएगा स्पायरल की शेप में, और ठीक लगता है तो ओके कर दीजिए, ओके कर देते हैं इसको अप्लाई। और इसके बाद आता है हमारा अलोंग, इसे पहले करते हैं अप्लाई। अलोंग करने के लिए हमें कर्व चाहिए, एक जिस कर्व के अलोंग आप पैटर्न करना चाहते हैं। तो हमें यहाँ पे दो चीज़ चाहिए होंगी, एक तो फीचर चाहिए जिसको हम पैटर्न करना चाहते हैं, और एक दूसरा हमें चाहिए पाथ, जिस पाथ के अलोंग हम करना चाहते हैं। तो ये तो हमारा एक होल था, तो इस बार हम क्या करने वाले हैं, मैं पहले तो एक पाथ बनाता हूँ, इससे इस पे जाते हैं और क्लिक ओके। और यहाँ से एक एसपी लाइन ले लेते हैं, और ओके कर देते हैं। इस स्टेप से आ रहा है, ठीक है। इस पर कर सकते हैं हम क्या, हमने क्या किया, यहाँ से एग्ज़िट करिए, और फिर यहाँ से जाते हैं, और यहाँ से हम लेते हैं फेस, इस फेस पे जाइए, और इस पे जाके एक हमने सिलेंडर लेते हैं, सर्किल बनाइए, एक्सट्रूड कर देंगे सिलेंडर आ जाएगा। यहाँ से सर्किल को सिलेक्ट करेंगे, सर्किल सेलेक्ट होकर स्टेप से आ जाएगा, ओके करते हैं, ओके करिए। एक्सट्रूड हो जाएगा, एक्सट्रूड के बाद से ओके कर देते हैं। और ओके करने के बाद अब हम यहाँ से आते हैं पैटर्न फीचर, और पैटर्न फीचर में जाके यहाँ से लेते हैं अलोंग, और अलोंग में जाके सिलेक्ट पाथ करिए, पाथ है ये। और फीचर, फीचर है ऊपर वाला, सॉरी फीचर में ये आ गया है, तो इसे या तो कंट्रोल जेड कर दीजिए, दोबारा से लेते हैं, पहले सेलेक्ट करिए फीचर, और फीचर के बाद हम लेते हैं यहाँ से हमारा अलोंग पाथ, पाथ हमने लिया ये वाला, तो पाथ पे आ जाएगा। और प्रीव्यू करना चाहते हैं, प्रीव्यू पे इस टाइप से ही आ रहा है। अब यहाँ पे हम देख लेते हैं वैल्यूज़ क्या हैं, पिच एंड काउंट, नंबर ऑफ काउंट कितने चाहिए थे हमने यहाँ से ऐसे कर लिए 20, और पिच कितना है, पिच थोड़ा सा और कम कर देता हूँ मैं, 6 का ले लेता हूँ, 6 का लेने से यहाँ पे आ गया है। यूज़ डायरेक्शन, एक डायरेक्शन और भी है तो हम उसको भी यूज़ कर सकते हैं, अभी डायरेक्शन वन ही है हमारा। और प्रीव्यू कर लेते हैं इसे, ये आ गया। और डायरेक्शन टू की बात थी, तो डायरेक्शन टू भी हम अगले एग्जाम्पल में डायरेक्शन टू भी लेते हैं। चलिए इसे मैं करता हूँ अभी अप्लाई, और इसके बैक साइड पे यहाँ पे आते हैं पैटर्न में, और पैटर्न में आने के बाद फिर अलॉन्ग कर भी लेंगे। पहले फीचर सेलेक्ट करिए कौन सा चाहिए, फीचर को हमने सेलेक्ट किया, फिर यहाँ से पाथ सेलेक्ट करना है, तो पहला पाथ हमने ये ले लिया, और इसे करिए फ्लिप, और ये कनेक्टेड कर्व को चेंज करिए सिंगल कर्व, और इस वाले कर्व को हम कर देते हैं डी सेलेक्ट,
सिर्फ इस वाले को सिलेक्ट करना है, इस तरफ आ जाएगा ये। और इसके बाद आते हैं यूज़ सेकंड डायरेक्शन। सेकंड डायरेक्शन कौन सी चाहिए? ये वाला हमें यूज़ डायरेक्शन में सेकंड टाइप चाहिए। यहाँ पे आ रहा है कुछ ऐसा। और सेकंड पाथ लेने के बाद आप इसे रिवर्स करिए, तो सेकंड में हमने पाथ सिलेक्ट कर दिया, टू करवा रहे हैं इसके अंदर भी। कनेक्टेड कर्व नहीं चाहिए, सिंगल चाहिए, तो शिफ्ट के साथ हम इस वाले को डी सिलेक्ट कर देते हैं और सेकंड वाला पाथ ये होना चाहिए। और अब आ जाते हैं इसके अंदर, यहाँ पे इंस्टेंस आ रहे हैं, इसको हमने कर दिया 12 और पिच को कर देते हैं कुछ 8, तो ऐसा आ जाएगा ये देखिए। ठीक है, और ठीक लगता है तो इसे ओके कर देते हैं, ओके हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे इंस्टेंस हैं, कॉपी होने में टाइम लगेगा। ये हमारा पूरा आ गया, ये स्टेप से हमारा पूरा पैटर्न हो जाएगा, कर्व पैटर्न विद रेफरेंस टू टू कर्व, है ना, अलॉन्ग कर्व में। फिर इसके अंदर एक हमारे पास और ऑप्शन है रेफरेंस वाला, उसके लिए मैंने क्या किया, जो भी मेरा फर्स्ट फीचर है उसे सेलेक्ट किया और इसको करता हूँ मैं एज ब्लेंड। अब एज ब्लेंड को मैं सब पे अप्लाई करना चाहता हूँ, तो मेरे को क्या करना पड़ेगा, यहाँ से फीचर में जाऊँगा, पैटर्न फीचर, और कौन सा फीचर है मेरा, ये वाला एज फिलेट, और इसको आप चेंज करिए और करेंगे रेफरेंस, और रेफरेंस में सेलेक्ट, सेलेक्ट कर लिया, और यहाँ से सेलेक्ट बेस इंस्टेंस हैंडल है ये नीचे वाला, और ये सब पे आ गया है और ओके कर देते हैं, तो ये सब पे अप्लाई हो जाएगा। देखिए इस स्टेप से ही पूरे पे अप्लाई हो जाएगा। तो ये है रेफरेंस पैटर्न। तो आज हम लोगों ने कंप्लीट पूरा चेक किया है, लीनियर पैटर्न, सर्कुलर, पॉलीगोनल, स्पाइरल, अलॉन्ग, जनरल और रेफरेंस पैटर्न, सारे ऑप्शन मैंने आपको बता दिए हैं। अगर इसके अलावा भी आपके कोई डाउट रहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, और अगर वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिए और सब्सक्राइब करिए, ताकि इस टाइप की हम और वीडियो बनाते रहें। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।